कफ संबंधी समस्याओं से बचने के लिए कुछ सरल योगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सर्दी का मौसम तो आ चुका है और सर्दी में कफ संबंधी समस्याएं जहां बच्चों को परेशान करती है, वहां बुजुर्गों को भी बहुत अधिक परेशान करती है। और योग में इतने सरल अभ्यास हैं, सरल सी क्रियाएं हैं कि जिनके अभ्यास से आप सर्दी, जुखाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्नोफीलिया, साइनस, ऐसी कोई भी समस्या सबसे आप मुक्त हो सकते हैं, इन सबसे बच सकते हैं। क्योंकि योग करने से आपके लंग्स मजबूत, फेफड़े मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्दी जुखाम जल्दी परेशान नहीं करेगा। तो आज मैं आपको फेफड़ों को मजबूत करने वाले थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ, कुछ प्राणायाम बता रही हूँ कि जिनको करके आप अपने सर्दी के मौसम में इन समस्याओं से बचे रह सकते हैं। देखिए, बच्चे हो या बड़े, योग सबके लिए है और सब कर सकते हैं। सभी चीज इतनी कठिन नहीं होती है कि वो न कर सके। बच्चों का शरीर तो लचीला होता ही है और जो बुजुर्ग है वो भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, और खास करके वो प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। प्राणायाम का काम ही यही है, लंग्स को मजबूत करना। तो मैं आज आपको थोड़े से अभ्यास बताती हूँ कि जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। श्वास संबंधी समस्याओं के लिए जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग से करेंगे। यहाँ आपने अभी अपने सांस ली नहीं है, सिर्फ हाथ को फैलाया है, सांस भरते हुए हाथ को फैलाएं। मैंने एक ही सांस में हाथ को फैलाया, पूरी एक सांस, बार बार सांस नहीं भरी है, और छोड़ते हुए मैं पास में लाई हूँ। बस आपको ये करना है कि आप जितनी धीमी गति से एक सांस को भरे उसी क्रम से हाथ को फैलाएं और उससे भी धीरा छोड़ने की कोशिश करें। ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो धीरे धीरे लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। तो ये तो आपको 3 से 5 बार करना है। ऐसे मैं आपको बिना सांस के बता रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे ही सांस छोड़ते हुए हाथ को करीब लाएंगे। ये 3 से 5 बार करना है आपको। ये तो सरल अभ्यास था, और ऐसे ही सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे, पूरी सांस भर ले और ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए। देखिए, लंग्स जब आपने ऐसे खींचा तो लंग्स ऐसे में फैल रहा था, अभी जब हाथ ऊपर ले गए तो लंग्स लंबाई में फैल रहा है, क्योंकि हमको फेफड़ों को ही खींच फैलाना है, खोलना है, जो कि कफ की वजह से उनमें जकड़न आ गई है, उन जकड़न को हम खोल रहे हैं। तो मैंने अभी 2 अभ्यास तो बहुत सरल बताए जो आपके लिए आसानी से करने का किए जा सकते। अब मैं आपको एक बहुत सरल अभ्यास बता रही हूँ जो भी आप आसानी से, कोई भी हर उम्र के लोग कर सकते हैं, उष्ट्रासन। देखिए, कठिन वाला तो ये रहा जो आप सभी लोग नहीं कर सकते, पूरी लंबी गहरी श्वास भरनी है, लेकिन ये वाला तो सभी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। आपने देखा लंग्स ऐसे पूरा खींचा हुआ है, सिर पीछे गया तो दोनों तरफ से खींच रहा है। जितना लंग्स खुलेगा उतनी मात्रा में आपके ऑक्सीजन जाएगी। तो ये आपने देखा बहुत सरल अभ्यास था जो आसानी से कोई भी कर सकता है। मैंने बैठ के आपको ज्यादा नहीं बता रही हूँ, और एक बताऊंगी, गोमुखासन, जो केवल कफ के लिए ही नहीं है, आपके हार्ट के लिए भी है, डाइजेशन के लिए भी है, क्योंकि डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है तब भी ये समस्या आती है कफ संबंधित। इसमें मैंने देखिए जो घुटना ऊपर रखा है वही हाथ ऊपर से ले गए हूँ पीछे पकड़ने के लिए। अभी मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे मैंने हाथ पकड़ा है। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब देखिए, एक लंग्स इधर के जो हाथ गया है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों अलग अलग तरीके से खींच रहे हैं, तो उनकी ओवेली खुल रही है। और लंबी गहरी श्वास भरेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी,
और ऐसे मैं दूसरे साइड से भी दिखाती हूँ आपको। चूंकि राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड मैं ऊपर से ले ली हूँ, लेफ्ट हैंड को नीचे से। ये देखिए, अब जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से लंग्स पूरा पूरा खुल रहा है। तो ये तो गोमुखासन था। इसके पहले मैंने दो सरल अभ्यास बताए थे जो कि उष्ट्रासन के पहले, तो ये कुल दो बताए। अब एक भुजंगासन बता, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़े से जो आप आसानी से कर सके। भुजंगासन के लिए पेट के बाहर आना पड़ेगा और सांस भरते हुए उठे। आप बहुत देर नहीं रुक सकते हैं तो कोई बात नहीं, सांस छोड़ते हुए आ जाए, लेकिन इसका 8 से 10 बार अभ्यास करें, क्योंकि लंग्स के लिए विराम बांटेंगे। सांस भरे, पूरी सांस भरे, और यहां पर रुकते हैं तो लगातार लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, और अगर नहीं रुक पाते हैं तो ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। हो सकता है आप इतना ना उठ पाओ, तो आप ऐसे उठ के लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, ये भी लंग्स की ताकत को बढ़ाएगा। कितने सरल अभ्यास मैं आपको बता रही हूं, आप ऐसे कर ले, ऐसे उठ जाए, ये भी लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। खाली लंग्स के लिए नहीं है, ये स्पाइन को भी हेल्दी बनाते हैं। देखा कितना सरल था। और इसी तरह धनुरासन भी अच्छा है, जो भी सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, सिर्फ हार्निया के पेशेंट भुजंगासन और ये नहीं कर सकते। इसमें भी आपका लंग्स, डाइजेशन, सब कुछ अच्छा होता है। अब सीधे होके मैं आपको दो आसन और बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपसे बनता है तो आप करें, नहीं बनता है तो जितना बताया उतना भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। इसमें मैं आपको सर्वांगासन बता रही हूं कि सबसे पहले सर्वांगासन, आप इतना नहीं उठा सकते तो आप इतना उठा लें, आपसे जितना हो रहा है उतना करें। ये विपरीत करनी है जिसमें आप थोड़ा सा पोर्शन उठाते हैं, और जब वापस आना है तो यू शेप बना के ऐसे नीचे आ जाए। बच्चों के लिए तो बिल्कुल सरल है ये सब, हो सकता है बुजुर्ग लोग ना कर पाए तो उन्हीं आसनों का अभ्यास ज्यादा कर ले। इसके बाद चक्रासन, ये भी बहुत अच्छा आसन है। आपसे जितनी देर रुकते बनता है रुकिए, और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए। और जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे मत्स्यासन। होता तो ये ऐसे है, मगर सबके लिए ये भी संभव नहीं है, इसीलिए मैंने सरल पोज बता दिया आपको कि आप ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लो। लेकिन करने से आपके लंग्स खुलेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो आपको उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। अब अस्थमा में आप प्राणायाम क्या करें, अस्थमा के मरीजों के लिए, या सर्दी जुखाम जो भी कुछ है, खाली अस्थमा नहीं है, इन सभी बीमारियों में आपको जो प्राणायाम है बहुत फायदा करता है। सर्दी जुखाम से संबंधित, खास करके जल नेति, कुंजल रामबाण उपचार है, और उपवास सबसे अच्छा है। अगर आप एक दिन का उपवास भी करते हैं, सर्दी जुकाम तेज लगा है, तो आप गर्म पानी पीते चले। दिन भर आप 2 से 2.5 लीटर गर्म पानी बार बार गर्म करें, थोड़ा सा नींबू निचोए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो मत निचोए, और वो पानी पिए, वो आपका सर्दी जुकाम एक दिन में ठीक करेगा। और अगर मान लिया आप उपवास नहीं कर सकते तो जल नेति तो सबको करनी भी चाहिए, क्योंकि जल नेति का खालिश कब संबंधी रोगों से नहीं है,
इसके और भी बहुत से बेनिफिट है, उसका मेरा पूरा वीडियो भी बना हुआ है, यूट्यूब पर ढूंढेंगे मिलेगा। तो जल नेति बहुत अच्छा है। उसके अलावा कुंजल, यानी सुबह गर्म पानी खाली पेट पी करके उसके अंदर नमक और नींबू डाला जाता है, वोमिटिंग करके बाहर निकाल देते हैं तुरंत, जिससे कफ बाहर निकलता है और आपको कफ से राहत मिलती है और आगे बढ़ने भी नहीं देता। आप 2-3 दिन लगातार कुंजल कर ले, सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ये तो बहुत सरल से उपाय है जो योग के अंदर है, जो बिना दवा के आपको ठीक कर सकते हैं। और उस समय आहार जो भी लें, हल्का लें, गर्म लें, ताजा लें, ऐसा करेंगे तो सर्दी जुकाम छू मंतर होते देर नहीं लगेगी, बस इनका अभ्यास करना पड़ता है। तो ये तो मैंने बहुत थोड़े से बताया। प्राणायाम में कपालभाति बहुत अच्छा है, कपालभाति का अभ्यास करें। भस्त्रिका, कफ रोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम द बेस्ट प्राणायाम है, कपालभाति और भस्त्रिका। फिर सूर्यभेद बहुत अच्छा प्राणायाम है, अगर समय हो तो उज्जैन भी कर लें। तो मैं आपको कपालभाति भस्त्रिका करके बता रही हूँ। कपालभाति को हमेशा स्लो मोशन में शुरू करें, फास्ट करें। जब आपको लगे कि अब आप ज्यादा स्ट्रोक नहीं ले पाएंगे तो धीमा करके बंद कर दें, मगर इसका अभ्यास कम से कम 2 से 5 मिनट। और ऐसे ही भस्त्रिका आप बहुत बार दम नहीं कर पाएंगे तो आप 20-20 के स्ट्रोक ले लें और 4-5 बार कर लें, उतने से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। मैं एक बार करके बताती हूँ। बस इस तरीके से तेजी से सांस लेना है और छोड़ देना है, कितना सरल है। क्योंकि जब आप झटके से छोड़ रहे हैं तो ले तो रहे ही हैं, छोड़ने में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है और लेने के समय ऑक्सीजन जा रही है, यानी शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है अधिक से अधिक, और ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु अधिक जा रही है। ये कफ का नाश करता है और कफ ही आपके रोग का कारण है। तो ये भस्त्रिका और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम आप अगर नियमित रूप से करेंगे तो सर्दी जुकाम जैसे सभी रोगों से आप बचे रहेंगे। और सूर्यभेद में आपको करके बता देती हूँ। सूर्यभेद का अभ्यास अगर आप खाना खाने के 10 मिनट पहले भी करते हैं तो ये डाइजेशन को भी अच्छा करता है, पाचन भोजन का बहुत अच्छी तरह होता है। मैं आपको सूर्यभेद बता देती हूँ। देखिए, नासिका मुद्रा से आप क्या करेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हर सांस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये सूर्य भेद है। क्योंकि राइट नोज हमारे शरीर में हीट लाती है, सूर्य नाड़ी है, और लेफ्ट हमारे अंदर ठंडक लाती है। तो अभी हमारे अंदर ठंडक बहुत है तो हम सिर्फ इसका अभ्यास इसी से लेंगे जिससे हमारे अंदर हीट आएगी, कफ का नाश होगा। तो ये थोड़े से अभ्यास करके, थोड़े से आसन को करके आप पूरी सर्दी जुकाम जैसे सभी रोगों से आप बच सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से जो लोग पहली बार जुड़ते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो भी अधिक से अधिक चले, अधिक लोगों को मिले। तो प्लीज़ खुद भी करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, धन्यवाद।